सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो अब तक के मिशंस में आपने देखा कि माइकल जो है उसकी एक फैमिली है जिसके अंदर उसके दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, वाइफ है, वाइफ के साथ साथ उसका टेनिस का ट्रेनर भी है। तो फ्रैंकलिन के साथ मिलकर और लेस्टर के साथ मिलकर ये बहुत सारे मिशंस कंप्लीट कर रहा होता है एंड ऑल, बट उसी बीच में ये अपनी फैमिली पर ध्यान देना भूल जाता है। तो आज इसने फैसला किया कि ये घर पर रुकेगा, TV देखेगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएगा एंड ऑल। लेकिन भाई इसको जब पता चलता है ना कि यार ये फैमिली के साथ टाइम बिताने चाहता है बट इसके साथ कोई बैठना नहीं चाहता, बिकॉज आदत ही नहीं है किसी को कि एक बंदा घर पे मिलेगा रहा, तो अकेला TV देख रहा होता है। तब भी भाई इसका बेटा जो है वो फुल आवाज़ में गेम खेल रहा होता है, जैसे कि हम खेल रहे होता है वैसे। वो बंदा पूरा दिन गेम खेलता रहता है, इसके साथ बैठने की कोशिश नहीं करता है एंड ऑल। लेकिन भाई इसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि यार मैं तो पूरा टाइम निकाल के इनके साथ बात करने के लिए बैठा हूँ और ये मेरे साथ टाइम बिताना ही नहीं चाहता। तभी इसको याद आता है कि इसकी बेटी जो है वो तो खैर 2-3 दिन से दिख ही नहीं रही, तो उसका भी पता करना था। तो ये जाता अपने बेटे से मिलने कि भाई क्या सीन है तेरा, कुछ पढ़ाई वढ़ाई का भी सीन है या तू बस गेम खेलता रहता है, क्या सीन क्या है तेरा? तो वो कहता है डैड साइड कर जो, मेरा गेम चल रहा है, दिमाग खराब मत करो, अगर मेरा गेम हो गया ना फिर बताओ तुझे। भाई जैसे उसने बोला फ्रैंकलिन को आ गया गुस्सा, उसने तोड़ दिया TV, बिल्कुल कुर्सी मार दी। तभी भाई उसका बेटा जो भलाया तो उठता है, कहता तूने मेरा गेम खराब कर दिया, तूने मेरा TV तोड़ दिया। माँ बिल्कुल सही बोलती है, टेनिस कोच ही ज़्यादा अच्छा है, तू बेकार है। भाई ये सारी चीज़ उनके ऊपर आ गया था गुस्सा, और बोलता मोटे आलू तू बड़ा बड़ा बिल्कुल पोटैटो जैसा हुआ जा रहा है, स्वीट पोटैटो हो जाएगा उस टाइम के बाद, उसकी शेप और ज़्यादा गंदी होती है। तो एक काम कर, तू मेरे साथ चल बीच एरिया पर चलते हैं और वहाँ मुझे तू साइकिल रेस में हरा। PS5 का नया वर्जन प्लस GTA 6 आते ही तेरे को मिल जाएगा विद न्यू 50 इंच LED TV। तो भाई मोटा इसके लिए मान जाता है कि भाई अगर मैंने गलती से हरा दिया तो भाई ये सारी चीज़ें मिलने के बाद तो ज़िंदगी बिल्कुल जन्नत हो जाने वाली। फिर माइकल को अच्छे से पता था कि मोटे आलू से कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए उसने ऐसी कंडीशन रख दी, बिकॉज वो तो सिर्फ अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहता था। सेम चीज़ के लिए जब वो निकले हैं यहाँ से तो उसने गाड़ी को मारी टक्कर और वो जा रहे हैं बीच एरिया पर, और बीच एरिया पर जाने के बाद वो का मेन खेल स्टार्ट, बिकॉज वहाँ पर होने वाली एक साइकिल रेस बाप बेटे के बीच में, और हमें कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड भी पता चलने वाला है इसकी बेटी के बारे में क्योंकि अभी तक माइकल को नहीं पता है, अगर पता होता अब तक वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका होता। वो जो माइकल की बेटी है ना, उसको TV सीरियल्स बनाने का बहुत शौक है, इसीलिए आजकल वो उन लोगों के साथ ज़्यादा उठ बैठ रही है जिनका इन सारी चीज़ों से लेना देना है। लेकिन गलती से जो उसकी बेटी है वो उन लोगों के कॉन्टैक्ट में आ गई है जो कि अच्छी नहीं बुरी वाली लाइक मूवीज़ बनाता है। बुरी वाली आप समझ सकते हो क्योंकि ना तो YouTube पे चलानी चाहिए ना बच्चों को दिखानी चाहिए, जो कि बच्चों की रीच से में होनी नहीं चाहिए। फैमिली को ये बात लाइक माइकल को ये बात अभी तक पता नहीं है, जो कि उसके बेटे को तो पता है और शायद उसके घर में उसकी वाइफ को भी पता है, लेकिन माइकल को ये बात नहीं पता। तो फिलहाल बीच पे जाने के बाद लाइक जब उसका बेटा इससे बातें करेगा एंड ऑल, तब ये बात निकल कर आएगी। आएगी या नहीं आएगी वो अभी देखते हैं। अभी फिलहाल हम लोग बीच एरिया पर ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम लोग करेंगे अपनी रेस स्टार्ट। और भाई बाप तो बाप होता है, जीतने से दूंगा नहीं मैं, बिकॉज उसमें काफ़ी कुछ खर्चा एक माइकल की तरफ से ऐड हो जाएगा, TV खरीदना पड़ेगा, GTA 6 और PS5 भी, तो भाई वो सारी चीज़ें मैं माइकल के खर्चे में तो ऐड नहीं होने दूंगा। भाई फिलहाल हम लोग पहुँच रहे हैं बीच एरिया पर और यहाँ पर ये आंटी आइसक्रीम खाते हुए जा रही हैं, इनको देख के बहुत ठंडक सी फील हुई। फिर हमने लाइक साइकिल वाले को बोला हाँ भाई 2 साइकिल लगा दे गरम गरम, बिल्कुल एक तो स्वीट पोटैटो चलाएगा और दूसरी चलाऊंगा मैं। अभी मैंने उसको बोल दिया रेस अभी स्टार्ट हो रही है तो बी रेडी, अगर तुझे TV वगैरह चाहिए तो अपनी दोनों टांगों से जितना जान है उतनी जान लगाकर अपना चलाना स्टार्ट कर। तो मैंने रेस कर दी है स्टार्ट और जिमी भी आ रहा है पीछे पीछे। भाई ज़्यादा दूर तो वो नहीं है, ज़्यादा गैप भी नहीं हमारे बीच में, फिर मैं रुक रुक के उसको ऑप्शन दे रहा हूँ कि भाई तो आ जा जीत जा, बस मुझे तो तेरे साथ टाइम स्पेंड करना है यार, पैसे वैसे तो खुद देखा जाएगा। भाई फिर भी उस मोटे स्वीट पोटैटो से कुछ हो नहीं रहा, वो चलाए तो जा रहा है बट नहीं आ रहा उससे कुछ। भाई मैं अपना ओवर स्पीड मेंटेन करके एक बार बिल्कुल अच्छी तरह से चला रहा हूँ ताकि उसको मौका मिले या फिर कुछ हो, भाई उसको मन है नहीं, तो भाई मैं अपनी स्पीड पकड़ के अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज के तरीके से इसको ले रहा हूँ। तो भाई जीतना तो मुझे था ही, तो मैं अपने हिसाब से चला रहा हूँ भी। तो भाई जो येलो मार्क आप मैप में देख रहे हैं, इसको जैसे हम कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पर ये रेस कंप्लीट हो जाएगी, और भाई वहाँ पर ये स्वीट पोटैटो है शायद ये थोड़ा सा इमोशनल हो या फिर बात करे उस बात के लिए ये सारा चीज़ सारा जमीला है। तो वो जो सामने आप मेला टाइप का देख रहे हो वो मेला टाइप, वहाँ पर हमें जाना है, वहीं पर हमारा ये मिशन कंप्लीट होने वाला है और वहीं पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे अपने बच्चे के साथ। बच्चा तो खैर नहीं है, स्वीट पोटैटो बस पड़ा रहता अपने रूम में।
बस जैसे हम लोग पहुंच जाएंगे फिर से बात करते हैं स्वीट पोटैटो से और फिर देखते हैं कि आगे और क्या हो सकता है। भाई जितने भी पेडिस्ट्रियन है ये साइकिल से भी डर रहे हैं, पता नहीं क्या। भाई साइकिल पे बंदा कोई आए तो साइकिल के साथ उठा के फेंक सकते हो उसको आप। यार इतने बंदे भी हैवी हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर और ये साइकिल से डर रहे हैं हमें। भाई इसको तो साइकिल से टक्कर मारे तो शायद मर गया वो, नॉट श्योर यार। ये रियलिस्टिक तो बोलते हैं कि हमारे गेम बहुत रियलिस्टिक है बट बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक भी नहीं है। यार उसको साइकिल की टक्कर लगी, साइकिल हिली भी नहीं है और बंदा गिर गया। तो रियलिस्टिक वाला सीन पूरी तरह से तो नहीं है बट काफ़ी हद तक ग्राफिक्स बहुत इम्प्रूव है। बाकी जब GTA 6 स्टार्ट होगा उसमें हमें नेक्स्ट लेवल ग्राफिक्स मिलने वाले हैं, टोटली अग्री। और भाई GTA 5 ने भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है, जिस हिसाब से लोग वॉक कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोग बातें कर रहे हैं, लाइक इट्स लुकिंग गुड। बट आप देख रहे हैं सब लोग इंडिविजुअल चल रहे हैं। GTA 6 में सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर बातचीत करते हुए लोगों का ग्रुप भी होगा, जो लोग चल रहे होंगे आपस में। यहाँ पर देख लो कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब लोग अकेले अकेले खड़े हो, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। भाई मैं पहुंच गया फिनिश लाइन पर और ये मेरा स्वीट पोटैटो भी वहीं पर पहुंच गया है। भाई मुझे नहीं लगता था कि ये एंड तक पहुंच भी पाएगा। फिर मैंने कहा भाई तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा अभी और ये कोई भी प्रॉमिस मत सोचना कि पूरा होगा। फिर वो कहता तुम साथ कुछ सब कुछ ना अपनी बेटी को ही दो, जो कि उल्टे सीधे खाऊंगा आजकल पड़ी हुई है, टीवी पर के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो गई है, और तुम सारा का सारा प्यार उसी को दो, मेरे को तो कोई प्यार करता ही नहीं। मैं ऐसे करके ये दूसरे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था बट माइकल ने सिर्फ इतना सुना कि वो गलत लड़कों के चक्कर में पड़ गई है। भाई माइकल ने उसका पता लगाया कि वो है कहाँ पे, तो इसी बीच के यॉट पर अवेलेबल है। भाई माइकल कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा तो नहीं। एक लंबी सी जंप लगाकर माइकल गया है पानी में। भाई उसके अंदर अभी इतना गुस्सा है ना कि वो अंडर वाटर ही लाइक स्विमिंग करने लगा है, ये सोचे बिना कि भाई उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा नॉन। तो भाई स्विमिंग उसने काफ़ी तेज़ी से कर ली है और जैसे ही वो पहुँच जाएगा यॉट पर, भाई उसके बाद का सीन देखते ही बनेगा, बिकॉज एक बाप तो आगे बाप ही होता है यार। तो गाइस अगर अभी तक का गेम प्ले आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। ऐसे ही और भी गेम्स और भी बहुत सारे गेम प्ले वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। GTA 5 के बेस पर हमारा चैनल है, चैनल मैंने स्टार्ट किया था गैंगस्टर वेगस गेम प्ले के साथ और उसके बाद सैन एंड्रियास और GTA 5 ये सारे गेम्स मैं प्ले करता हूँ। तो मैं फिलहाल हम लोग यॉट पर पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर है नहीं, और जैसे ही यॉट पर पहुँच जाएंगे फिर उन बंदों को मैं बताता हूँ जो ज़्यादा मूवी मेकर हो रखे ना आजकल, उनको मैं मूवी बनाना सिखाता हूँ अभी। बट माइकल पहुंच गया है यॉट पर और ऊपर जाकर क्या देखता है कि उसकी बेटी ठुमके लगा रही है चिकनी चमकी वाले गाने पर उन लोगों के सामने। बस वो चाहती है कि उसे ऐसा हीरोइन लिया जाए। भाई मैंने जाकर सीधा उनका स्पीकर उठा पानी में फेंक दिया है। भाई सच बताऊँ तो बंदे जो है वो सच में बॉडी बिल्डर और बीफ डॉल वाले हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं तो माइकल में, अगर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत होने की कोशिश होगी तो मैं तो लपेट दूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। तो भाई ये सारी बातें बता के मैंने अपनी बेटी को ले जाने की कोशिश की तो बीच में एक बंदा आता है, कहता है यार वैसे नहीं कर सकता नॉन। मैंने उसको दिया धक्का, उसी का पानी में गिरा है। भाई यहाँ पर ये तीन लड़के थे, तीन में से दो को बहुत गुस्सा आ रहा है और एक को मैंने फेंक दिया है। वो दोनों भागे भागे आ रहे हैं बिल्कुल मुझे मारने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं जो स्पीड बोट है इनकी ये लेकर यहाँ से निकल रहा हूँ। भाई अगर ये बंदे पीछे आए तो मैं छोड़ने वाला था इनको, वो नहीं गन मेरे पास पूरी भरी हुई है, इनको मैं इसी पानी में मार के यहीं दफना दूंगा। जैसे बिन लादेन का कुछ पता नहीं चला ना मरने के बाद कहाँ गया, वैसे ही मैं भी इनको यहीं पर दफनाने की सोच रहा हूँ। तो ये दो लोग हैं, मेरी बेटी बार बार मना कर रही है, इनको कुछ बात बोला, एक बंदा मैंने मार दिया है और दूसरा बंदा मैं सोचता भाई अगर ज़्यादा ना बोले तो इसको छोड़ सकता है, पर ये बंदा भाई इतना मानने वाला है नहीं, यहीं पर लाइक घुमाया जा रहा है और गोलियाँ भी चला रहा है। तो मुझे इस पर बिल्कुल भी लाइक कोई तरस नहीं आ रहा, इसको ख़त्म करना है। भाई मैंने पूरी तरह से गोलियाँ मार ली हैं और अब इसके माथे का करूँगा एम, और भाई डन, इसके तो माथे पे मारी गोली। भाई दो ये जो लाइक स्पीड बोट्स हैं यहीं पर पड़ी रहेंगी, ये तो पड़ी रह सकती हैं, उनकी जो बॉडी है वो हो गई है थपन। भाई बेटी है बहुत ज़्यादा गुस्सा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे फ्रेंड्स खत्म, फ्रेंडशिप खत्म कर दी, तुमने फ्रेंड्स ही खत्म कर दिए। भाई माइकल कहता है जो एक बाप को सही रखता है वो वही करता है बच्चों के लिए, तुम भी अपना वो बंद रखो जो मैंने कर दिया उसको मारे लो। भाई जैसे ही हम लोग लाइक किनारे पे आते हैं ना, वो मोटा स्वीट पोटैटो वाला वेट कर रहा होता है और इसको पता होता है तो भाई उस स्वीट पोटैटो ने ही सारी बातें बताई होंगी। भाई जैसे वो नीचे उतरती है उसको मारने वक्त कि तूने ऐसे कैसे बोल दिया इन्वॉल्व, उसने पता है दो बंदे मार दिए वहाँ पे, अगर पता चल गया पुलिस को तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा, फ्रेंड्स तो चले गए, फादर भी चला जाएगा, ऐसे थोड़ी पता था। तो कहता नहीं सारा बार बार तेरे को मिल रहा था, मेरा तो टीवी भी तोड़ दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, ऐसे नहीं चलता है। और भाई माइकल ने जो किया मेरे हिसाब से सही किया, आपके हिसाब से उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सबसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है मिशन बेस्ड, और मैं एक और ट्रैक पर काम कर रहा हूँ अभी। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एक ट्रैक अपलोड किया था, वैसे ही मैं एक नए ट्रैक पर काम कर रहा हूँ जिसमें कि हम स्पीड जंप देखेंगे इंडियन कार्स का या सुपर कार्स का। सो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।